बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। एक्टिंग कैसी लग रही है आमिर खान की? क्या वो जस्टिफाई कर रहे हैं महावीर सिंह को? ऑब्वियसली एज ऑलवेज बेस्ट एक्टिंग है। गीता और बबीता की जिन लड़कियों ने एक्टिंग की है क्या वो जस्टिफाई कर रही है उनको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों जो न्यू कमर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है और 100% दिया उन्होंने अपना। स्टोरी वाइज देखने जाएंगे तो क्या अच्छा लगा स्टोरी में? स्टोरी में यही अच्छा लगा कि जो लड़कियां हैं वो भी रेसलिंग कर सकती हैं और अपने आप को प्रूव कर सकती हैं, तो हम मतलब रेसलिंग में भी लड़कियां कुछ भी करके दिखा सकती हैं, ऐसा ही है चीज़। इस फिल्म में ये फिल्म रोमांटिक तो नहीं है, नो, थोड़ी फिक्शन है, तो क्या ये पूरा लोगों को एंटरटेन कर सकता? या ऑब्वियसली इट्स हम लोग हंसे भी हैं, हम लोग रोए भी हैं, हम लोग हर फीलिंग आई है इस मूवी के अंदर, जो भी फीलिंग्स होती हैं। सॉन्ग कैसे लगे आपको? बहुत बढ़िया, स्पेशली जो धक्कड़ वाला सॉन्ग ऑसम जो उसमें दिखाया गया उसको अच्छा था वो बहुत। मैं तो 6 भी देना चाहूँगा अगर 6 होता तो, आउट ऑफ 5। ओके, थैंक यू, थैंक यू, बब, ऑल द कैरेक्टर्स आर वेरी नाइस, आई एम वेरी ऑलवेज सुपर्ब। ही इज सुपर्ब, ही इज डूइंग द बेस्ट जॉब। ओके, ऑल आर डूइंग, गीता एंड बबीता आर डूइंग सुपर्ब, दे आर ऑल सुपर्ब, इवन साक्षी तनवारी इज सुपर्ब, ऑल आर नाइस। 4.5 लगी। आमिर खान ने बस दंगल मचा दिया है। किस तरह उसने अपनी लड़की के मेहनत करके उन्हें उस लेवल तक पहुंचाया जो इंटरनेशनल खेल पाए। जी जी वो तो लाजवाब है, लाजवाब है। बस जो दो न्यू कमर्स है गीता जी, बबीता, अमेजिंग अमेजिंग फैबुलस। अभी तक की सबसे बेस्ट मूवी है ये इस साल की, और आगे और इसके पहले कहीं ऐसी मूवी नहीं बनी है। Yes. It was awesome as expected out of Aamir. Story was actually very good. Like it's actually depicted on the life story of Mr. Fogart, right? So Aamir is outstanding as usual. Yes, of course. As far as I know. Thank you. I'm gonna leave. My friend just rocked it. हाँ जी, मेरे को बहुत प्यारी लगी फिल्म, बहुत मेहनत की है आमिर खान ने और दोनों ही लड़कियों ने बहुत मेहनत की, बहुत मजा, बहुत अच्छी फिल्म है। बिल्कुल कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि आमिर खान का रोल जो उन्होंने जिस तरीके से निभाया है काबिल तारीफ है। मैं देखना चाहूँगा उन्हें आगे की, अब आगे क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मतलब मैं फैन ऑफ आमिर। बहुत अच्छी लगी है, बहुत बहुत जस्टिस किया अपने रोल के साथ, जो असली कैरेक्टर हैं गीता और बबीता, आई थिंक इससे बेटर शायद कोई नहीं निभा सकता था। मैं आई थिंक इसे मैं 5 स्टार देना चाहूँगा, बिल्कुल इट्स अ 5 ऑफ। बहुत अच्छी थी, सबकी अच्छी थी, आमिर खान की, सब रेस्लर लड़कियों की, सब लोगों की बहुत अच्छी थी। स्टोरी भी हाँ रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, तो उसको बहुत कमर्शियली एंटरटेनिंग भी बनाया उन लोगों ने, तो वो बहुत अच्छी थी, म्यूजिक भी अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। बेसिकली वो खुद रेसलर को ज़्यादा नहीं दिखा रहे खुद को, वो बेटियों को कैसे बनाया उन्होंने रेसलर, उसके ऊपर मेनली फोकस किया है। हाँ, एवरीथिंग इज गुड, ओवरऑल बहुत अच्छी थी सबकी, बेसिकली जूनियर्स की बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जो छोटी बच्ची थी ना। 4 मुझे फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, मैं फिर से देखना चाहता हूँ मूवी, बहुत औसम मूवी थी, और मैं सबको बोलूँगा कि आप भी आइए एक बार ये मूवी देखिए, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। स्टोरी का इन्होंने मतलब बहुत अच्छी स्टोरी थी, एक तो स्टोरी होती है जिसमें सिर्फ ये जैसे हीरो है उसी का एक्शन होगा, जैसे सुल्तान दिख रही अच्छी मूवी थी, सलमान सर का मैं फ़ैन हूँ, लेकिन इसमें भी क्या है, इसमें दिखा रखा पहले आमिर सर का दिखाते हैं, ठीक है, या जस्ट वन मिनट, लेकिन इसमें लड़कियों में बहुत अच्छा दिखा रखा है लड़कियों के लिए, तो मैं चाहूँगा एक बार लड़कियाँ सारी आके लड़कियाँ भी ये मूवी देखें, बहुत अच्छे इंस्पिरेशन दिखा रखा है, जो सारी उनको ट्रेन करते हैं फिर वो करते हैं, जो नहीं कर पाते वो अपनी बेटियों से करवाते हैं गोल्ड मेडल। आमिर सर नहीं कर सकते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उन पे तो बहुत सूट हो रहा था रोल, बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच। उनकी तो बेस्ट एक्टिंग थी, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा। 5 out of 5। सो मच सर, आपने जो मूवी निकाली है इंस्पायर्ड मूवी है, बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा, और गीता बबीता की बहुत अच्छी एक्टिंग थी,
मेरे हिसाब से अगर 5 में से स्टार दिया जाए तो मैं 10 दूंगा, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, लेकिन मेरे को बहुत अच्छी मूवी है, हर एक बच्चे से लेकर हर एक बड़े इंसान तक को देखनी चाहिए मूवी, खासकर हरियाणा के लोगों को ज़्यादा देखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसा होता है, तो शायद अब बंद हो चुका है, लेकिन प्लीज़ कोई ना करे, हर लड़की को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, क्योंकि आज की डेट में इस मूवी को देखने के कारण ये लगा है कि लड़की और लड़के बराबर है, लड़की जो लड़के कर सकते हैं वो लड़की भी उनके टक्कर पे कर सकती है, तो आई एम इंस्पायर्ड दिस मूवी बिकॉज आई लव यू सर, लव यू सो मच, आप ऐसी मूवी निकालते रहे, पब्लिक को दिल जीतते रहे, पब्लिक का बहुत अच्छी लगी, बस मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा। ओके, म्यूजिक लठ गाड़ दूँ ये जाड़ा पाड़ दूँ सर, लव यू सो मच, क्योंकि मैं भी दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को सारी लैंग्वेज वहाँ की आती है, तो थैंक यू सो मच सर, आपने ये मूवी दिखाई हमें, थैंक यू। आउट ऑफ 5 मैं 5 10 दूंगा, 10 अगर अवेलेबल है तो 10 देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, तो सबको साथ में लेके आ रहे हो? हां, सबको साथ में। कैसी लगी आपको मूवी? बहुत ही अच्छी थी, एकदम क्लासिक, यू नो, इट्स एपिक मूवी। बहुत अच्छी थी, मतलब वो स्पीचलेस कुछ भी नहीं बोल सकते, लाइक परफॉर्मेंस वाइज तो फैबुलस थी एकदम। और स्टोरी देखने जाएंगे इस फिल्म में, तो क्या स्टोरी है, कैसी स्टोरी आपको लगी? स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल और बहुत अच्छी है, एंटरटेनिंग है, कहीं पे भी बोर नहीं होगा मूवी में, और यू नो सीक्वेंस बहुत अच्छे से और रेसलिंग बहुत अच्छे से बताई है, सीखने को मिला है रेसलिंग एक्चुअल में क्या है, अब तक हमें पता नहीं था जो पॉइंट्स वगैरह नहीं है, एक मेन बात पता चली है, मतलब हार्ड वर्क को कोई चैलेंज नहीं है, आमिर खान यहाँ पे है, मतलब सबसे बड़े सुपरस्टार है, उनके हार्ड वर्क को अगर कोई चैलेंज कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। उनकी ज़्यादा रेसलिंग नहीं है, पहले शुरुआत में फाइट है, उसके बाद उनकी बेटियों की फाइट्स है हर जगह, और हर बार स्टैंडिंग ओवेशन देने का मन करता है, बीच में 1 मिनट की पूरी स्टैंडिंग ओवेशन उन्होंने खुद होके लिए मूवी से, वो आपको पता चलेगा बाद में। हाँ, बोला कि आप क्वेश्चन पूछ रहे कैसे लगी मूवी, आपको क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा, आप मतलब ये पूछो कि कितनी अच्छी लगी मूवी, शायद ही कोई बोलेगा जिसको मूवी अच्छी नहीं लगी। फिल्म में जो नए कैरेक्टर्स है गीता बबीता जो भी, उनकी एक्टिंग कैसी लग रही है? बहुत ही नेचुरल, बहुत रियल, बहुत रियल, ऐसे नहीं लगता कि मूवी देख रहे हो रेसलिंग की, ऐसे लगता कोई मैच देख रहे हो तुम वहाँ। एक्चुअल में जो उनकी मेहनत है, जो उन्होंने ट्रेनिंग लिए, मतलब जो मैच में जो इंटरेस्ट था ना हर एक सेकंड में, वो लाइक कनेक्टेड लग रहा था, बहुत कनेक्टेड, लाइक मैं एक्चुअल मैच देख रहा हूँ ऐसा लग रहा था, बहुत ही अच्छी। फिल्म की म्यूजिक की बात की जाए तो कैसे, मतलब कैसा म्यूजिक? म्यूजिक एकदम सूट करता है, जैसे सीन है और सारी चीज़ें हैं ना उस तरीके से, एकदम परफेक्ट म्यूजिक है, कुछ भी ऐसे कैसे भी कोई आइटम सॉन्ग करे कुछ ऐसा कुछ नहीं। तो क्या पैसा वसूल है ये? अरे पैसा वसूल, आप देख सके तो फिर से जाके देखेंगे, अभी मिलेंगे ना टिकट, नहीं मिलेंगे तो वापस जाके देखेंगे, डबल पैसा वसूल, डबल मस्ट वॉच। सबसे अच्छी मूवी अभी तक, यू नो एंडिंग बहुत बेटर हुई इस साल की, जो भी हुआ ना भूल गए हम लोग, खुशी वाले आंसू थे सबके, लास्ट में आके एकदम लास्ट बॉल पे छक्का मार के चल जाता है, इस साल भी वही हुआ। कैसी लगी आपको फिल्म? मूवी एकदम ऑसम है, ऐसा लग रहा था कि 2010 का कॉमनवेल्थ मिस नहीं करना चाहिए था, मतलब मिस भी कर दिया तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बैठ के हम लोगों ने देख लिया। ओके, तो फिल्म में आमिर खान ने रेसलिंग रोल निभाया है, तो क्या वो जस्टिफाई कर रहे हैं उस रोल को? हाँ। ओके, और जो फिल्म में जो नई कैरेक्टर है गीता बबीता, क्या वो लोग रोल शूट कर रहे हैं उनके? रोल शूट कर रहा है ऐसा लग रहा है, वही गीता बबीता का, वही लोग गीता बबीता है। ओके, तो फिल्म में आपको क्या क्या स्टोरी अच्छी लगी आपको? पूरी स्टोरी, मतलब जो पापा एक, मतलब एक पापा को करना चाहिए लड़कियों के लिए, जैसा सपोर्ट किया उन्होंने अपने बेटियों को, ऐसा सब तरफ होना चाहिए और ऐसे ही आगे बढ़ाना चाहिए सब। फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो कैसी लगी? म्यूजिक ऑसम है, जिस तरह का चाहिए, इमोशनल, जैसा टच जा मिलना चाहिए था वहाँ वहाँ मिला। तो आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देना चाहोगे? आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 10 पूछिए, आउट ऑफ 5। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको फिल्म? बहुत अच्छी लगी। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, मतलब हम तो क्या कह सकते हैं, लेकिन एज एन ऑडियंस में कहने जाऊँ तो आमिर सर ने, जो उनका नाम है परफेक्शनिस्ट, तो बहुत सही कैरेक्टर निभाया है, बहुत अच्छा उन्होंने वो दिया है कैरेक्टर में, ऐसा नहीं लग रहा कि वो आमिर खान है, ऐसा लग रहा है कि हाँ वो गीता और बबीता के पापा ही है, मुझे उनका एक्चुअली नाम नहीं याद। तो हाँ, उन्होंने, उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, उनकी एक्टिंग से ज़्यादा भी मुझे उनकी पहलवानी बहुत अच्छी लगी, एक्चुअली
ऐसा मैं अभी थोड़ी देर पहले ही कह रहा था कि वो एक्टर से ज़्यादा पहलवान ज़्यादा लगे थे, पहलवानी करने वाले रेसलर्स ज़्यादा लग रहे थे, तो यार गुड। या सॉन्ग का दंगल का मुझे टाइटल सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा दंगल के लिए। स्टोरी तो देखिए अगर रियल लाइफ पे है तो उसमें ज़्यादातर कुछ मसाला नहीं होता, और जिस हिसाब से बनाया गया मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ तड़क भड़क या फिर कोई रोमांस डाला है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ स्टोरी एकदम ऐसा लग रहा है कि हम रियल लाइफ को ही देख रहे हैं, हमें ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ एक मूवी की तरह देख रहे हैं, उसमें गाना हो, उसमें रोमांस हो, प्यार हो, लड़का लड़की वाला जो मूवी बनते हैं आजकल, तो ऐसा वाला नहीं था। एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि हम गीता की ही लाइफ देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा हमें। 4.5 देना चाहूँगा सर। थैंक यू। फिल्म बहुत अच्छी थी। एक्टिंग कैसी लगी आमिर खान का? एक्टिंग तो कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि वो इतने बड़े एक्टर है, उनके लिए कुछ बोलना ही खराब है। वो बहुत अच्छे एक्टर है। बिल्कुल, उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत अच्छा था, मीन्स वो टॉन बॉडी से अचानक फैटी पेट एंड ऑल, सो इट वॉज ऑसम। उनकी एक्टिंग एज अ फ्रेशर देखूँ तो बहुत अच्छा था क्योंकि एज लुक भी वो बहुत अच्छे थे एंड एक्टिंग तो थी भाई। म्यूजिक मुझे अच्छी लगी, इवन बहुत अच्छी लगी एक्चुअली। स्टोरी इंस्पायरिंग है क्योंकि एक छोटे फैमिली की लड़की अगर उतने लेवल में पहुँचे तो ऑब्वियसली ये बड़ी बात होगी हमारे लिए भी और सबके लिए एक्चुअली। तो क्या हर पापा को मानना चाहिए कि बेटियां सब कुछ कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल मानना चाहिए। तो क्या हर एक पापा को देखनी चाहिए मूवी? बिल्कुल देखनी चाहिए। ओके, तो आप कितने स्टार्स देना चाहोगे? 5। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। आमिर खान की एक्टिंग कैसी लगी? अच्छा जी, वो रेसलर के रोल पे और उनकी एक्टिंग मतलब आउटस्टैंडिंग, दैट्स इट। अच्छा उनकी एक्टिंग, वो तो मुझे बिल्कुल भी अंडरडॉग नहीं लगे, बिल्कुल बराबरी से उन्होंने कैमरे का सामना किया, एक डायरेक्टर की बात मानी और बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक्टिंग की। स्टोरी वाइज, कंटेंट वाइज, राइटिंग सेक्शन, एवरीथिंग वॉज सुपर्ब। ऐसा लग रहा था कि मतलब किसी डायरेक्टर ने कुछ बनाया नहीं, किसी जौहरी ने एक ऐसा कोहिनूर का हीरा जड़ा दिया। अरे प्रीतम इज लाइक ऑन फ्लो राइट नाउ, उनकी हवा चल रही है और सारे गाने बाप गाने, और अमित भट्टाचार्य ने जो गाने लिखे हैं वो तो सुपर। ओके, तो आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देने चाहिए? आउट ऑफ 5 मुझे तो लगता है कि यार आपको आउट ऑफ 5 इस फिल्म को 10 देना चाहिए। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको फिल्म? बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया फिल्म है एंड बहुत हार्ड वर्क किया है सबने, वो दिख रहा है जो हार्ड वर्क है सबका, ईच एंड एवरी कैरेक्टर, ईच एंड एवरी एक्टर, मतलब it actually took me to that world. Story kaise audience ko connect karti hai? Ki jo basic emotion hai, actually story is not about for me I think story is not about a girl winning a gold medal for India, but it is about the relationship between the father and his daughters. So that I think wo jo cheez hai wo Nitesh Tiwari sir ne bahut acche se pakdi aur बांधा है फिल्म को उस इमोशन से। आमिर खान के रेसलर के रोल को अच्छी तरह से निभाया? बहुत बहुत अच्छे तरीके से निभाया। मुझे तो एक पॉइंट के लिए लगा कि शायद वो प्रोफेशनल रेसलर ही हैं, तो जिस तरीके से वो फिल्म में दिखाते हैं दाव पेच लगाना वगाना, तो वो ही वॉज रियली इंटू इट। हाँ हाँ, बहुत अच्छी एक्टिंग है दोनों, जो यंगर वर्जन है उनका वो भी, और जो बाद में बड़ी हो के जो एक्टर्स ने उन जो कैरेक्टर्स निभाए हैं, दोनों एक्चुअली चारों कैरेक्टर्स, चारों एक्टर्स का बहुत अच्छा काम है। म्यूजिक की बात करेंगे तो कैसी लगी आपको? म्यूजिक बहुत अच्छा है, म्यूजिक कुछ कुछ जगहों पे तो ऐसा है कि गूज बम्प्स ला देता है एंड या दैट्स इट। अब इससे ज़्यादा 4 स्टार्स स्टार्स बिकॉज इट रियली वर्क फॉर मी एंड जो इमोशन है जो फादर और डॉटर के बीच का,
उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है. मतलब इट्स नॉट ऑल हैप्पी हैप्पी एंड इट्स नॉट ऑल यू नो ग्रम्पी सैड थिंग विच गोज अराउंड बिटवीन यू नो ट्रेनिंग की वजह से फादर डॉटर्स के बीच में. तो वो बहुत ही अच्छे से बैलेंस किया है एंड या दैट्स इट. थैंक यू.